18 जून सन 1576 सुबह के 9 बजे मुगल बादशाह अकबर की ओर से 80,000 सैनिक मेवाड़ की ओर बढ़ते हैं। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह और आसफ खान। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक मेवाड़ की रक्षा के लिए हल्दी घाटी में डटे हुए थे। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे पठान हाकिम का सूर। दोस्तों सुबह के 9 बजे जंग शुरू हो जाती है। दोस्तों मुगल सेना हल्दी घाटी के ठीक नीचे खमनोर के मैदान में आ डटी तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना ऊपरी भाग पर थी। मुगल सेना का पहला हमला घाटी में किया गया। इस हमले के जवाब में महाराणा प्रताप की सेना मुगलिया फौज पर टूट पड़ी। मेवाड़ी सेना का यह आक्रमण इतना भयानक था कि मुगल सेना तितर बितर हो गई और मुगल सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। इस स्थिति को भांपते हुए एक मुगल सैनिक जिसका नाम था मेहतर खान, उसने यह अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं एक बड़ी फौज लेकर जंगे मैदान में आ रहे हैं। यह अफवाह पूरी मुगल फौज में फैल गई और मुगल सेना में फिर से एकजुट हिम्मत बन गई और वह फिर से युद्ध करने लगी। दोस्तों युद्ध के शुरुआत में ही मेवाड़ी सेना मुगलों पर भारी पड़ी, जिससे मेवाड़ी सैनिक जोश से भर गए। मेवाड़ी फौज के इस जोश को देखते हुए महाराणा प्रताप ने सेना को आज्ञा दी कि घाटी से नीचे उतरकर अब जंगे मैदान में आमने सामने जंग करेंगे। इसी कारण से यह जंग घाटी से टल कर बनास नदी के किनारे तक पहुंच गया, जिसे आज हम रक्त तलाई का मैदान कहते हैं। दोस्तों इस समतल मैदान में मुगल सेना ने तोपों और तीरों का इस्तेमाल किया, जिससे मेवाड़ी फौज में अफरा तफरी मच गई। दोस्तों अब यह युद्ध अपना भयानक रूप ले चुका था। दोस्तों मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो स्वयं इस युद्ध में मौजूद था, उसने कहा कि दोपहर में सूर्य की किरणें सीधे खोपड़ी को चीर कर पार हो रही है तथा यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि मेवाड़ी सैनिक कौन है और मुगल सैनिक कौन है। दोस्तों दोपहर तक की जंग में दोनों पक्षों को लगभग बराबर हानि हुई और यह बताना नामुमकिन था कि आखिर यह जंग कौन जीतेगा। दोस्तों युद्ध का सिलसिला उस समय बदल गया जब महाराणा प्रताप ने तेजी से हाथी पर बैठे मानसिंह पर हमला किया। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक, जिस पर महाराणा प्रताप विराजमान थे, चेतक ने अपने आगे के पैरों को उठाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिए तथा महाराणा प्रताप ने उचित अवसर पाकर मानसिंह पर अपने भाले से प्रहार किया। मानसिंह भयभीत होकर हाथी के ऊपर लगे होदे में दुबक गया और भाला जाकर हाथी चला रहे महावत को लग गया। दोस्तों जब चेतक हाथी पर से अपने आगे के पैरों को उतार रहा था तो हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक की एक टांग कट गई। इसी बीच महाराणा प्रताप को मुगल सैनिकों ने घेर लिया तथा एक मुगल सैनिक जिसका नाम था बहलोल खान, इसने महाराणा को घायल अवस्था में देख महाराणा पर वार किया। दोस्तों महाराणा प्रताप ने एक वार में ही बहलोल खान तथा उसके घोड़े को बीच से काट कर चीर दिया। यह देख मुगल सैनिक कुछ समय तक महाराणा प्रताप से दूर हट गए। दोस्तों इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप के मित्र झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप के पास पहुंच गए और घायल अवस्था में महाराणा को युद्ध से बाहर भेजा तथा उनके मुकुट को स्वयं पहन लिया। मुगल फौज को लगा कि झालामान ही महाराणा प्रताप है। यह समझकर झालामान पर मुगल फौज टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। दोस्तों महाराणा प्रताप के सैनिकों ने उनसे आग्रह किया कि आप अगर युद्ध के मैदान से बाहर नहीं गए तो मेवाड़ पर मुगलों का कब्जा हो जाएगा। यह सुनकर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक उनको युद्ध से बाहर ले गया और बलीचा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई। दोस्तों महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान में न देखकर मेवाड़ी फौज इतनी भयभीत हुई कि अब वह अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध करने लगी और दुश्मन सेना पर भारी पड़ने लगी। दोस्तों शाम होते होते यह युद्ध बंद सा हो गया था और शाम होते यहाँ पर खून की नदियां बहने लगी, लाशों के ढेर लग गए। दोस्तों यह युद्ध अब रुक चुका था। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर यह युद्ध कौन जीता। युद्ध समाप्ति के पश्चात मुगल सेना ने गोगुंदा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। दोस्तों मुगल फौज में इतना भय था कि उन्होंने अपने चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां खुदवा दी और दीवारें चिनवा दी। दोस्तों उनको भय इस बात का था कि कहीं महाराणा प्रताप के भील सैनिक हमला न कर दें। दोस्तों मुगल फौज कई दिनों तक भय के कारण चार दीवार से बाहर ही नहीं निकली
तथा उन्हें भोजन के अभाव में अपने ही घोड़ों को मार कर खाना पड़ा। दोस्तों, इस स्थिति को भांप कर मान सिंह तथा मुगल अफसरों ने यह निर्णय लिया कि अब हम वापस आगरा चलेंगे, अगर मेवाड़ में रुके तो मारे जाएंगे। दोस्तों, इस युद्ध के बाद मान सिंह व आसफ खां अकबर के सामने पहुंचे तो अकबर ने दोनों को दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता था, तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि मुगल सेना युद्ध जीतकर भी मेवाड़ पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई तथा अकबर ने मान सिंह और आसफ खान पर दरबार में आने से रोक क्यों लगाई। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर हार गया था, लेकिन हमें यह पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता था। दोस्तों, यह सरासर झूठ बात थी। दोस्तों, सच तो यह है कि अकबर कभी महाराणा प्रताप को हरा ही नहीं पाया। दोस्तों, यह सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।